ये लो जी, आपके लिए मैं आज लेकर आई हूं पालक पनीर की रेसिपी। आप सभी को नमस्ते और मेरे चैनल में सबका स्वागत है। मैंने सोचा पालक पनीर बना ही रही हूं, साथ में रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, जिसने सीखना होगा वो सीख भी लेगा, क्यों नहीं, है ना। अब ज्ञान बांटने में भी क्या कंजूसी करना, जैसे कि ऑफिस में कई इम्प्लॉयज करते हैं, है ना, बताते ही नहीं है सीक्रेट्स। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, पालक लेना है और पालक को अच्छे से धो लेना है, जैसे तुम चाहते हो बॉस के चमचे को धोना, वैसे अच्छे से धोना है इसको 2-3 बार पानी में, और इसको उबलते हुए पानी में रख देना है। तो मेरे पास है यहाँ पर मोमोज का स्टीमर, तो मैंने अच्छे से इसको धोया और स्टीमर में 5 मिनट के लिए रख दिया। जैसे ही इसकी पतली सी हालत होगी, उसके बाद इसको फिर से ठंडे पानी में रखना है, और ठंडे पानी में जैसे ही रखना है इसको निकाल के इसको ग्राइंड करना है, अच्छे से पीसना है इसको, जैसे कि आप अपने मैनेजर के चमचे को पीसना चाहते हैं। अब साथ के साथ आपको पता ही है हमें तड़का भी तो लगाना है, इसके तड़के की तैयारी भी कर लीजिए। इसमें डालना है हमें जीरा, मेथी, खड़े मसाले जितने भी है वो पहले डाल दो, और फिर कूटा हुआ प्याज, सॉरी कटा हुआ छोटा छोटा प्याज, और इसको तब तक पकाना है जब तक इसका रंग एकदम पीला जैसा ना हो जाए, जैसे कि जब आपको मैनेजर काम देता है ना और आपका चेहरा पीला पड़ जाता है, वैसे ना बन जाए तब तक इसको पकाते रहना, पकाते रहना, जैसे बॉस का चमचा पकाता है ना, वैसे ही पकाना। जैसे ये पक जाए इसमें डालनी है टमाटो प्योरी, और टमाटो प्योरी में मैंने डाला है मिर्च, मिर्च डाली है इसमें, हरी मिर्च, जो आपका क्या होता है यार, लहसुन, अदरक, ये सारी चीजें मैंने इसी में मिक्स कर दी। और अब इसमें जो भी आपके पाउडर वाले मसाले हैं ना, जो कि पहले जल सकते थे, नहीं डाल सकते थे एकदम से तेल में, वो अब हमें इस प्यूरी में डालने हैं, जो कि आ गया आपका कोरिएंडर पाउडर, आपका नमक, हल्दी, और जो भी आपके पाउडर वाले मसाले हैं ना वो अब आप ऐड ऑन कर लो। और अब इसे तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ना, आपका मैनेजर तब तक काम देता रहता है, तब तक काम देता रहता है जब तक आपके बॉडी से गुस्सा ना निकल जाए, वैसे ही हमें इसको तब तक पकाना है जब तक इससे तेल ना निकल जाए, क्योंकि तब तक स्वाद आता ही नहीं। किसको, मैनेजर, सही कहा ना। तो देख रहे हो ना आप, अब देखो इसमें कितने अच्छे तरीके से ये पक गया है। इसमें अब जो आपने प्योरी बनाई है पालक की, इसमें ऐड ऑन करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और इसको तब तक पकाना है जब तक इसका मेहंदी जैसा रंग ना हो जाए, ठीक है। अभी देखोगे इसको मैंने कम पकाया है, अगर मैं ज्यादा पकाती हूँ न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है ना। अब जब हमें ऑफिस में ज्यादा पकाते हैं तो हम जितने, जब हम स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करते हैं ना, ये करना है हमें, वो करना है, जब ज्यादा कोई पका लेता है हमें, उसके बाद हमारा मन ही नहीं होता यार, और उसकी जो हार्ड वर्क होता है, जो स्किल्स होता है, वो सीखने में वो पीछे रह जाता है। नहीं तो स्टार्टिंग में आता है मैं इसके साथ ये कोर्स करूंगा, ये करूंगा, फिर ये आइडियाज दूंगा, ये आइडियाज दूंगी। तो वही चीज है, इसको धीरे 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 पकाना है ताकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म ना हो, ठीक है। अब इसके साथ ही हमने पनीर भी तो डालना है, जरूरी नहीं है, अगर मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है तो इसमें डालना नहीं है, पालक पनीर की रेसिपी है। तो हमने पनीर को चॉप करना है, और अगर तुम चाहे उसे फ्राई करना है, जैसे कि वो चमचा करता है ना फ्राई, किसका चमचा, मैनेजर का चमचा, जैसे वो फ्राई करता है, अगर तुम चाहते हो वैसे फ्राई कर लेना, पर मुझे पसंद नहीं है, मैंने उसको हल्के हल्के क्यूब्स में काट दिया। और जैसे ही ये 10 मिनट तक हल्का 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 पकेगा, उसके बाद में उसमें वो क्यूब्स ऐड ऑन कर दूंगी। अब बात रही क्यूब्स की, अब मेरे को पनीर पसंद है, साथ में जो मेरे परिवार वाले उनको भी पनीर पसंद है, अब आधा तो उन्होंने खा ही लिया, क्या ही क्यूब्स डालूंगी मैं इसमें यार। हर मिडिल क्लास की यही प्रॉब्लम है, मुझे पता है, जब तक हम पनीर में डालने तक पनीर बचाते हैं ना, तब तक वो आधे से आधा भी नहीं बचता। पनीर की हालत देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, तभी बोलते हैं कि जब भी किसी को पकाना है धीरे 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 पकाओ, ताकि उसमें वो जोश भी बचा रहे। अगर एकदम जला दोगे ना तो कभी कुछ नहीं होएगा। सिखाओ, दिखाओ अपने बॉस को ये, अपने मैनेजर को दिखाओ ये वीडियो, और बताओ ऐसे बनता है खाना।
और ऐसे होगी हमारी ग्रोथ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर और कमेंट जरूर करना। क्योंकि आगे भी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज लेकर आऊँगी। थैंक यू। और पनीर को अच्छे से मिक्स होने देना, जल्दी नहीं करनी है, ठीक है? इसको 10 मिनट तक धीमी 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 आंच में अब नहीं रखना है, इसको करना है बंद और ये 10 मिनट तक ढक के ये खुद ही मिक्स हो जाए।